प्रार्थना सुनने को मिले। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। सकल नई विलिषिदानां विरोधि मथिनं नमामिनीकांतम् उडमो अरहंताडं उडमो सिद्धाडं उडमो आयरियाडं प्रमो अध्यायाणम प्रमो लोई सवसाणम। अरंतानंद परम सिद्ध भगवान की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, मुनिवर श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की, 3.9 करोड़ महामुनिराजों की, अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्विनैव हन्यते, आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनो जिना। भगवान जिनेन्द्र के जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते, इसलिए हे भव्यात्मनो आप सभी उन्हें आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। हर कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है संजीव भाई, हर कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, पर उसके काम अच्छे नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, तो बनेगा कैसे? क्यों अब्रल, अच्छा बनना चाहते हो, सच्चा बनना चाहते हो, तो सोच अच्छी रखो और काम अच्छा रखो, आप अच्छे हो जाओगे। जरूरत नहीं पड़ेगी कहने को किसी की, आप अच्छे ही हो। किसी के बुरा कहने से कोई अच्छा होता है क्या? क्या बुरा होता क्या? अच्छे हम हैं, किसी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। हमारी चर्या, हमारा सोच हमको अच्छा बनाता है। कोई व्यक्ति यहाँ पर अभी आता है जो जैन धर्म से अनभिज्ञ है, वो पाषाण की प्रतिमाओं को जब देखेगा क्या बोलेगा? पत्थर रखे हैं। लेकिन क्योंकि सोच में परिवर्तन है, इसलिए पहले क्या करना है? सोच बदलो और अच्छाई की खोज करो। किसी खोज करना है? अच्छाई की। यदि व्यक्ति क्या करता है कि गलतियां ढूंढने के चक्कर में सही व्यक्ति की तस्वीर भूल जाता है और उसकी आलोचना करना प्रारंभ कर देता है, तो क्या होता है? उसकी तकदीर भी
खो जाती है। क्यों? निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले अपना पुण्य छीन कर लेते हैं तो उनकी भाग भी नष्ट हो जाता है, मतलब तकदीर समाप्त हो जाती है। इसलिए विचार करना किसका? अच्छाई हमारे भीतर है, बुराई हमारे भीतर है। एक व्यक्ति बोरिंग खुलवाने गया, क्या देखता है? कितनी मिट्टी निकल रही है, कितनी मिट्टी निकल रही है। अरे जब तक बुराई नहीं निकालोगे, अच्छाई निकलेगी कैसे? मिट्टी निकलती ना बोरिंग कराते तो पानी डाला जाता है, फिर पानी निकाला जाता है। यदि स्वच्छ पानी निकालना है तो पहले मिट्टी निकालो और पानी भरो। पानी भरते हैं पहले, देखा कभी बोरिंग करते हुए किसी को? पानी भी डाला जाता है लेकिन निकलता कैसा पानी है? पहले पानी मिट्टी मिश्रित निकलता है, फिर धीरे धीरे कलर बदलता है, फिर स्वच्छ पानी आता है। जब तक अपनी बुराइयां नहीं निकालोगे तब तक अच्छाइयां मिलने वाली है नहीं है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक काशी का राजा ब्रह्मदत्त था। वह अपने सभासद से पूछता है कि भाई मेरे में अंदर कोई कमी है तो वह बतला दीजिए। पीयूष, कमी है कि नहीं आप में? ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जिसमें कमी ना हो, लेकिन कमी वही देखते हैं जो दुर्जन होते हैं। कहा है, सज्जन गुण ही देखते दुर्जन देखें दोष। क्यों पंडित जी, सज्जन हो कि दुर्जन? ओम शांति, नहीं भूलोगे? सज्जन हो कि दुर्जन? अभी सूरज निकल रहा है, लोग दोष देते हैं सूरज को जब ठंड आती है, अरे बाहर क्यों नहीं आ रहा है ना? और जब गर्मी आती है तो बोले छुप जा। दोष किसका है? हम सहन नहीं कर पा रहे इसलिए दोष हमारा है, समझ रहे ना? तो काशी का राजा निकल गया और पूछता है सभासद से कि भाई मैं राज का पालन कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई कमी हो तो बतला दो। लेकिन कौन कहे राजा से कि आपके अंदर ये कमी है? श्रेयस, कौन कहेगा आपके काम में कमी है? आप बढ़िया से बढ़िया बना के लाओ अचार। सब ने क्या कहा? बहुत अच्छा है। लेकिन पीठ पीछे कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं, नारायण नारायण क्या करते हैं, सामने तो अच्छा ही करते हैं पीछे बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से बचना। तो राजा ने जैसे ही पूछा कि मेरे अंदर कोई कमी हो तो बतलाओ, तो कौन बताने वाला है? किसी ने नहीं बताया। सभी लोग क्या करते? उसकी प्रशंसा करते जाते। लेकिन राजा भी बुद्धिमान था, वो क्या सोचता है, सभी लोग डर के कारण मेरी कमी नहीं बता रहे हैं। तो वह रात में ही निकल गया, कहाँ? अपनी कमी ढूंढने के लिए। और जैसे ही निकला, एक पुल पड़ा, उस पुल पर दूसरा राजा और आ रहा था, वो कौशल देश का राजा था। और जैसे ही आमने सामने हुए तो रास्ता निकलने के लिए एक ही था, कोई एक ही जा सकता था। तो काशी के सारथी ने कहा, भाई हमारे लिए रास्ता दीजिए। कौशल का राजा कहता है, उसका सारथी कहता है, हमारे ही रास्ता दीजिए। लेकिन कौन पहले निकले, मान खड़ा हो गया। सारथी कहता है पहले तुम निकालो, दूसरा सारथी कहता है तुम निकालो, कोई नहीं हटा। फिर वीरता की बात आई, तो वीरता कौन, वीरता किसके अंदर है सबसे ज्यादा? तो दोनों सारथी कहते हैं हमारे राजा बहुत वीर हैं। कौशल का राजा भी सारथी कहता है हमारा राजा भी वीर है। दोनों में समानता थी, फिर भी निर्णय नहीं हुआ और आगे बढ़े। तो तय किया गया कि जन्म कब हुआ है,
कौन बड़ा है उम्र में, तो देखा गया, उसको भी जांच पड़ताल जब की तो पता चला जन्म भी एक ही दिन हुआ, उसी समय हुआ जिस समय राजा जन्म, दोनों राजा का जन्म एक साथ हुआ, तो उसमें भी समानता नहीं हो पाई। फिर बात आई, सारथी क्या कहता है कौशल का, हमारे राजा भले को भलाई से, बुरे को बुराई से, और अच्छे को अच्छाई से, और कठोर को सख्ती से देखते हैं। उसकी बात सुन ली गई, तो हमको निकलने दीजिए। लेकिन जैसे ही काशी के राजा ने कहा, काशी के सारथी ने कहा कि मेरे राजा गुस्से को प्यार से देखते हैं, बुराई को अच्छाई से देखते हैं, और झूठ को सच्चाई से देखते हैं, कंजूस को दान से देखते हैं, जीतने वाले होते हैं। तो जब ये गुण उनने सुने तो सहज ही क्या किया, कौशल के देश के राजा ने उनको निकलने के लिए जगह दे दी। क्यों? उनके अंदर अच्छाई थी, बुराई को जीतो किससे, सच्चाई से। आप ये मत देखो कौन आपकी निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है। आपकी आलोचना हो रही है तो निश्चित मानना आलोचक, आलोचना वही होती है जहां सच्चाई होती है। विचार रखना हमेशा कि कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, मतलब हमारा काम अच्छा है, इसलिए विरोध हो रहा है, समझ रहे। तो कभी गुस्सा भी आ जाए तो क्या करना, प्यार से उसको जीत लेना। एमी गुस्सा आता है ना, क्या करना। जय जिनेन जी, सब सुने, बहुत सारे शब्द सुन लिए हैं, तो वो चीज़ अंदर में आ जाए, सुनने से काम नहीं चलेगा। महाराज जी के पास जब बैठते ना, एक बार एक भैया जी आ गए, उन्होंने क्या नहीं सुनाया तो हम सहन नहीं कर पाए, हमें लग रहा था कि अब उनको हम, लेकिन महाराज जी ने धीरे से कहा, शांतता ठेवा, थोड़ा सा धैर्य रखो। पहले इतनी नहीं थी क्षमता, लेकिन संगति का असर पड़ता है। उन्होंने धीरे से कहा, भाई ठहर जाओ। तो क्या हुआ, गुस्से को भी मुस्कुरा करके, ठीक है आप सही कह रहे हो, लेकिन हम तो अब जैसा सीख गए हैं वैसा ही बोलेंगे। महाराज जी ने कहा, उन भैया जी ने कहा था कि आपको प्रवचन करना नहीं आता, सीखो। बोले अब सीख गए हैं, अब सीख गए हैं तो ऐसे ही करेंगे हम। वो भी गुस्से में नहीं कहा, मुस्कुरा के कह दिया। तो गुस्से को भी प्यार से जीता जा सकता है, बुराई को अच्छाई से जीतो। आपके अंदर कोई बुराई है संजीव भैया? आपसे कह रहे हैं महाराज जी कि दाढ़ी बना लो, दाढ़ी बना लो। आपके चेहरे पर वो दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है ना? तो आपकी बुराई है कि अच्छा ही है? वो गुरु कह रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इसलिए तो कह रहे हैं कि एक बार करके तो दिखाओ, क्या पता उसी से बैराग हो जाए। मैं जिसको देख रहा था वो मेरा स्वभाव नहीं है, वास्तविक स्वरूप तुम्हारा दाढ़ी मूछ वाला नहीं है, जो स्वरूप तुम्हारा था जन्म से वही तुम्हारा स्वरूप है। उसको जानने का प्रयत्न करना है, इसलिए वो कह रहे हैं। आप समझ नहीं पाए अभी, समझ लो। चौथी बात, झूठ को सच्चाई से जीतना। कोई कह रहा है, माना कि बाहर चर्चा चल रही है कि तीनों महाराज रात में 10 बजे तक बात करते हैं, किसी ने झूठ बोल दिया तो आप क्या करोगे, मान लोगे? अरे एक बार आकर तो देखना कि महाराज जी करते क्या हैं, आकर देख लोगे तो सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। तो सच्चाई देखने चले जाओ, झूठी बातों पर अपनी कानों में सूतक मत लगा लेना, ठीक है? इसलिए विचार करना। तो क्या हुआ, कौशल के राजा ने उनको नमस्कार किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से आप हमारे मित्र हैं। तो जब बुराई को हम सच्चाई से जीत सकते हैं, किसी को मित्र बनाना होगा तो उसकी बुराई मत करना, अच्छाई करना।
समझ रहे ये नहीं, सोने की तलाश में निकले हो आप, सोने की तलाश में। सोना कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? खदान में। लेकिन हम गलतियाँ देखते हैं, लोग मिट्टी देख रहे हैं, मिट्टी देखने वाला मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन सोने की तलाश नहीं कर पाएगा। इसलिए मिट्टी को मत देखो, जिसकी खोज में निकले हो उसको पाना है तो उस पर ही लक्ष्य रखो। क्या चाहिए बिनी, क्या चाहिए? यहाँ मोक्ष मार्ग में आने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? मोक्ष मार्ग में आने के लिए क्या चाहिए? अच्छे परिणाम चाहिए है, तो बुराइयाँ निकालनी होगी जो हमारे अंदर हैं, कोई बताने वाला नहीं है और आप बताते भी नहीं हो कि हमारे अंदर क्या बुराइयाँ हैं। लोग को दिख जाती हैं लेकिन बताता कोई नहीं है। यदि बता देगा तो वही तुम्हारा सच्चा मित्र होगा। मुनिश्री हमेशा कहते हैं आदिसागर जी कि यदि हमारे अंदर कोई कमी हो और वो व्यक्ति बता जाए और वास्तव में होगी तो हम उसका परिवर्तन करेंगे। क्यों? जो बता रहा है वो हमारा शुभ चिंतक है। क्यों? इसको क्योंकि आपको उससे बाद में हानि होने वाली है, इसलिए विचार करना। सीरियस कोई गलती हो, कोई बोल जाए कि आप ये गलत करते हो, पहले देखना, डायरेक्ट उत्तर मत देना उसको, पहले देखना कहीं हमसे ये गलती तो नहीं हो रही है। हो रही हो तो सुधार कर लेना, हो रही हो सुधार कर लेना, ठीक है? आपकी नज़र, आपकी नज़र किस पर, अब किस पर है, अच्छाई पर कि बुराई पर? यदि बुराई पर दृष्टि जाएगी तो निश्चित रूप से अच्छाई आपके अंदर आएगी। आप अच्छे अच्छा देखते रहोगे अपने आप को तो बुराइयाँ कभी हटा नहीं पाओगे। इसलिए पहले अपनी बुराइयाँ हटाओ तो अच्छाइयाँ अपने आप आ जाएंगी। इसलिए यही विचार करना कि हमारे अंदर जो बुराइयाँ हो, मोक्ष पथ पर जाने के लिए, मोक्ष महल को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा पंडित जी? बुराइयाँ हटाना पड़ेंगी। ये कपड़ा हटा दो, बुराइयाँ तो हैं ये। संजीव भाई हटाओ कपड़े, इन कपड़ों के साथ आए थे क्या जन्म से? ये लफड़ा आपने किया है, अब घर जाने का मन नहीं कर रहा है, जाना पड़ रहा है ना? क्यों श्रेयस? पंडित जी अमेरिका जा रहे हो कि जाना पड़ रहा है? जा नहीं रहे हो, जाना पड़ रहा है तो अच्छा है। अपने शहर को छोड़कर कौन जाता है? जा नहीं रहे हो, जाना पड़ रहा है, इसलिए विचार करना। मोक्ष पथ पर जाने के लिए सारी बुराइयाँ हटाना पड़ेंगी। वस्त्र तो सब हटा लेते हैं लेकिन वस्त्रों के साथ अपनी बुराइयाँ भी हटाओ ताकि मोक्ष पथ पर आप बढ़ सको और एक दिन मोक्ष महल भी आपको मिलेगा। कब? जब आपकी सोच और आपकी अच्छाई की खोजने की दृष्टि होगी। किसमें? हर वस्तु में खोज सकते हो, हर वस्तु में खोज सकते हो। एक पाषाण का बिंब है, उसमें आप पाषाण भी देख सकते हो और भगवान भी देख सकते हो, लेकिन बस सोच बदलना है। आप भगवान आत्मा हो कि नहीं? क्यों विरल, भगवान आत्मा हो, भगवान आत्मा हो कि नहीं? अविरल भाई भगवान आत्मा हो कि नहीं? हो तो खोज कर लो कि मुझे भगवान बनना है, अगवान नहीं बनना है। तो अब घर नहीं जाना है, जिनके पास बैठे हैं वैसा ही बनना है, तो आप भी भगवान बन जाओगे। इसलिए विचार करना, मेरे अंदर जो बुराइयां हो वो हम दूर करेंगे और जो अच्छाइयां हैं दूसरे के अंदर भी वो हम ग्रहण करेंगे, तो आपका मोक्ष मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए विचार करना, विचार करना उसके बारे में जो निर्विचार है, ताकि आप भी उस निर्विचार आत्मा को प्राप्त कर सको। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की।